हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम एक सिंपल से ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने वाला ट्रांजिस्टर टेस्टर बनाएंगे। दोस्तों, हम ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर के जरिए टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आज जो सिंपल सा एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप ट्रांजिस्टर को आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो, और उसका सर्किट डायग्राम भी वीडियो के अंदर आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस सर्किट को मैं इस ब्रेडबोर्ड पर बनाऊंगा। तो पहले मैं लेता हूँ, यह एक आईसी बेस है, 8 पिन का एक आईसी बेस है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर को टेस्ट करने के लिए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं ट्रांजिस्टर को सेट करके चेक करूँगा। तो इसको मैं पहले पीसीबी पर सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, अब मैं 2 LED यूज़ कर रहा हूँ इसके इंडिकेटर के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 LED को कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस वाले LED का जो पॉजिटिव है उसको मैं इस पिन पर कनेक्ट करूँगा, और इसका जो नेगेटिव है उसको मैं इस पिन पर कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, अब मैं 4 रेजिस्टेंस लूँगा। यह 470 ओम का रेजिस्टर है, और इन चारों को 2 के मैं LED पर कनेक्ट कर देता हूँ, एक इस ग्रीन वाले LED पर और दूसरा इस ब्लू वाले LED पर। अब और 2 रेजिस्टेंस लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस को इसके जो ये दूसरा वाला पिन है यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। और उसी तरह एक और रेजिस्टेंस लेकर के इसका जो ये दूसरा वाला पिन है वहाँ पर हमें कनेक्ट करना होगा। 2 स्विच लेता हूँ। इन दोनों स्विच को यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ पहले। दोस्तों, अब चलिए इसका कुछ वायरिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया था LED पर उसको ला करके जो स्विच का जो इनपुट वाला पिन है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों साइड में करना होगा। ठीक है, जो LED का जो रेजिस्टर निकला हुआ था उसको मैं स्विच का जो इनपुट वाला पॉइंट है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। और दोस्तों, ये जो पिन, जो आइस पिन, आइस का जो बेस का जो पिन था जहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर लगाना है, वहाँ से जो मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था उसको हम स्विच का जो आउटपुट वाला पिन है वहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो उसी तरह दोनों रेजिस्टेंस को हमें स्विच के आउटपुट पर कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई सर्किट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसी टेस्टर के लिए मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों, अब मैं 2 छोटे पीस वायर लूँगा, एक को एक स्विच के इनपुट पर कनेक्ट करते हुए। ये जो आइस बेस का जो इधर लाइन का जो तीसरे वाला पिन है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इस साइड पे, और उसी तरह एक और वायर लूँगा दूसरे स्विच पर कनेक्ट करते हुए। दूसरी साइड का जो पिन है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अब हम पावर सप्लाई देने के लिए मैं एक 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो नेगेटिव है उसको मैं इस स्विच पे कनेक्ट कर देता हूँ, इस स्विच के इनपुट पर, और जो पॉजिटिव है उसको इस स्विच के इनपुट पर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अब चलिए इसको हम पावर सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो इसको मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, तो अभी दोनों स्विच को हम ऑफ कर देते हैं।
दोस्तों ध्यान रखिए, ये वाला जो साइड है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है और ये वाला जो साइड है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। आपको क्या करना होगा, एक ट्रांजिस्टर लेना होगा, मैं ले रहा हूँ BC557, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका इसका होता है एक एमिटर, बेस और कलेक्टर, और यहाँ पर आपको ऊपर से यह 1, 2 और 3, ठीक है, ये हो गया इसका कलेक्टर, बेस और एमिटर। तो उसी के हिसाब से आपको इसको कनेक्ट कर देना होगा और इस स्विच को हम जैसे ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये LED ग्लो कर रहा है, ठीक है। अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो LED बंद हो जाता है। अगर हम इसको इस साइड पर लगाते हैं NPN साइड पर तो ये LED ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है NPN नहीं है, ये PNP है, ये सिर्फ PNP साइड पर ही LED को ग्लो करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर ये PNP है और ये ट्रांजिस्टर सही है। तो चलिए हम NPN को टेस्ट करते हैं। तो NPN वाला साइड ये वाला साइड है, यहाँ पर मैं NPN को लगाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू LED ग्लो कर रहा है। अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो ये ग्लो नहीं करेगा। अगर मैं इसको PNP साइड पर चेक करता हूँ तो ये जो LED है ये ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये PNP नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ये PNP साइड पर वर्क नहीं कर रहा है। चलिए मैं और एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ जो कि जो ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं अगर चेक करता हूँ PNP साइड पर ये LED ग्लो कर रहा है। अगर मैं दोनों स्विच को ऑफ कर देता हूँ जो कि बेस को ट्रिगर करने के लिए सप्लाई दिया जाता है इस स्विच के मदद से, तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को लगाता हूँ तो आप देख सकते हो ये ग्रीन LED ग्लो कर रहा है। अगर मैं इसको NPN साइड पर भी यूज करता हूँ तो ये LED ग्लो कर रहा है, मतलब कि अभी बेस पे कोई ट्रिगर सप्लाई नहीं दिया है, स्विच ऑफ है, फिर भी ये जो ट्रांजिस्टर है इधर से सप्लाई जा रहा है इस LED को ग्लो करने के लिए और NPN साइड पर भी जा रहा है। ये एक ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी LED को ग्लो करवा रहा है, यहाँ पर भी LED को ग्लो करवा रहा है, मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अगर हम सही वाला ट्रांजिस्टर लेंगे तो इसको जैसे वर्क करना होगा उसी तरह ये वर्क करेगा। अगर हम बेस को ट्रिगर करेंगे तो ये LED ऑन होगा, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। अगर हम इसको NPN साइड पर यूज करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर टेस्टर हमने बनाया है ये इसी तरह काम करता है, और इसका जो सर्किट डायग्राम है वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है, आपको वीडियो के अंदर ही इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना, और आगे भी शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चल सके कि हम एक ट्रांजिस्टर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।